एक महिला को नशीली कॉफी पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। थाने पर महिला की शिकायत भी नहीं लिखी जा रही थी। महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी से अपनी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को महिला ने अपनी परेशानी से अवगत करवाया। महिला ने बताया कि क्षेत्रीय थाने के पुलिसकर्मी व थाना प्रभारी सहित महिला थाने में भी पिछले कई दिनों से जाकर अपनी परेशानी अपनी पीड़ा बता रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि मुझे नशीली कॉफी पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महिला की शिकायती पत्र के आधार पर जांच के निर्देश दिए और फोन लगाकर संबंधित थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी से कहा कि महिला की समस्या को तुरंत सुना जाए और निराकरण किया जाए, दोषी लोगों को बख्शा न जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।